અને બીજી બાજુ થર્મેક્સ અને સાથે આપ જોશો બ્લુ સ્ટારના મેનેજમેન્ટ પણ જોડાશે કંપનીના રિઝલ્ટ આપવા જોડાવા માટે અને સાથે જ આપણી સાથે થર્મેક્સના એમડી અને સીઈઓ એમએસ ઉન્નિકૃષ્ણન સાહેબ જોડાઈ રહ્યા છે સર વેરી ગુડ મોર્નિંગ ધન્યવાદ અમારે સમય નિકાલને કે લીએ સર સમજના ચાહેંગે યે તિમાહી થર્મેક્સ કે લીએ કૈસી રહી ઓર્ડર્સ મેં કિસ તરહ કી અપટેક દેખ રહી હે ઓર ઓર્ડર બુક ક્યા હે विराज एक अच्छा क्वार्टर निकल गया है बहुत समय के बाद में कुछ 6-7 क्वार्टर के बाद में एक क्वार्टर में ऐसा हुआ Q3 में हमारा टॉप लाइन का 14% का बढ़ावा हुआ है और प्रॉफिट में भी बढ़ावा है बट 9.5% तक ही पहुंचा है पर उसका कोई कारण भी है हमारा दो फॉरेन सब्सिडरी में थोड़ा सा कम प्रॉफिट निकला है क्वार्टर में उनमें से एक का तो पॉजिटिव आने वाला ही है अगले क्वार्टर में तो रिवर्स हो जाएगा पर दूसरे का तो कंटिन्यू करेगा तो दैट्स अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी और ऑर्डर इनटेक का बारे में बात करेगा तो यही क्वार्टर में तकरीबन 20% बढ़ावा हुआ है Q3 में ओवरऑल पहले तीन क्वार्टरों में 45% के ऊपर बढ़ावा हुआ ऑर्डर इनटेक में इसके कारण से हमारा ऑर्डर कैरी फॉरवर्ड ऑर्डर बुक जो आप लोग बताते हैं तकरीबन 27% आज का दिन में पिछले साल से ज्यादा है आज का दिन में तो ओवरऑल एक पॉजिटिव क्वार्टर निकला है तो छोटा सा प्रॉफिटेबिलिटी में कमी हुआ बट ज्यादा वरिसम नहीं है आगे जाके वो भी सीधा हो जाएगा बिल्कुल सर वेरी गुड मॉर्निंग सर एक और चीज जो हम लोग समझना चाह रहे थे रेवेन्यू फ्रंट पर तो अच्छी खासी ग्रोथ है पर मार्जिन के फ्रंट पे थोड़ा दबाव दिखा है कहां से ये दबाव आता हुआ देख पाए हम लोग और इसके अलावा एनर्जी सेगमेंट को लेकर कैसे आउटलुक बन रहा है क्योंकि इस बार नियरली 18-20% का ग्रोथ हम लोग यहाँ भी देख चुके हैं अब क्या आगे रणनीति है इसको लेकर पहली बात यह कि मार्जिन के बारे में मैंने आपको भी बताया कि दो सब्सिडियरी का हमारा प्रॉफिट कम निकला है क्वार्टर में उसके अलावा यह भी बात सही है कि पिछले एक साल में स्टील का भाव तकरीबन 40% बढ़ गया है उसका पूरा असर हम कस्टमर को पास ऑन कर नहीं पाया प्रोग्रेसिवली वो भी हो जाएगा तो वरी का बात नहीं है बट फिर भी थोड़ा सा दबाव रहेगा और यह भी बात सही है कि इंटरनेशनल मार्केट में से जब ऑर्डर आता है हमको अच्छा ऑर्डर बुकिंग है साल में इंटरनेशनल मार्केट से मेरे ख्याल से 49% ऑफ द ऑर्डर बुकिंग फॉर द फर्स्ट 9 months हैज कम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया तो पिछले साल में अगर ये ऑर्डर आते थे मतलब 2017 में आते थे उसी टाइम एक डॉलर का भाव 68 रुपीज होते थे आज का दिन में तो 63.5-64 के बीच में अटका हुआ है तो फॉरेन मार्केट से जो बड़े मार्जिन वाले ऑर्डर आते थे वो हिंदुस्तान में हर एक कंपनी का थोड़ा सा प्रेशर है उसके ऊपर थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर बट उसको ओवरकम करने के लिए हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हुए कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए इंटरनेशनल सोर्सिंग करने के लिए बहुत सारे चीज ऐसा किया है जिसमें से आगे जाके उसका फायदा भी होगा तो मार्जिन का जो प्रेशर एक क्वार्टर में दिखाई दिया अगले क्वार्टर से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा इसका मतलब ये नहीं कि हम मार्जिन बढ़ा पाएगा ऐसा नहीं है कंडीशन ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत सारा ऑर्डर है अगर जो कम ऑर्डर जितना भी कम ऑर्डर्स मार्केट में नजर में आ जाएगा हमको उठाना ही पड़ेगा उसके लिए जितना मार्जिन ले पाएगा उससे हम सैटिस्फाइड रहना चाहिए दैट्स अ रियल आंसर फॉर इट एंड गोइंग फॉरवर्ड फॉर द एनर्जी बिजनेस यस आपको जो बढ़ावा दिखा दिया एक क्वार्टर में आगे जाके भी कम से कम अगले 3-4 क्वार्टर में एनर्जी बिजनेस आगे बढ़ने वाला ही है एनवायरमेंट ऑल्सो मेरा ख्याल से अगले साल में FY'19 में उसमें भी आपको बढ़ावा दिखाई दे देगा ओके सर मेरी ओर से आखिरी प्रश्न होगा सर Q4 में आपने इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में आपने काफी पॉजिटिवली सरप्राइज किया था ऑर्डर इनफ्लो को लेके क्या लग रहा है Q4 भी स्ट्रांग रहता हुआ नजर आएगा और साथ ही ब्रेकअप के नजरिए से देखिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल का ब्रेकअप किस तरह से होगा वेरी क्विकली एक शॉर्ट आंसर चाहिए आपसे मेरा ख्याल से Q4 में भी ऑर्डर इनटेक अच्छा होना चाहिए जो तरीके से हमारा इंफॉर्मेशन है Q4 के लिए तो बता सकते हैं उसका आगे नहीं बता सकते और आपने बोला कि पूछा कि ओवरऑल मार्जिन इंप्रूवमेंट जैसे मैं पहले से भी बोला गाइडेंस हम देते नहीं है बट फिर भी मार्जिन Q4 में Q3 से इंप्रूव ही रहेगा जरूर इंप्रूवमेंट होगा उसका भी
बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये कंप्लीट डिटेल्स और एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए. आने वाले समय में और भी बेहतरीन रिजल्ट्स आपकी तरफ से पोस्ट हो, विद बेस्ट रिगार्ड्स हमारी तरफ से. थैंक यू. साथ मार्केट्स ऊपर एक नजर कर लिए. निफ्टी अत्यारे 10,556 लेवल्स ऊपर ट्रेड करतु. अहीं अगर गईकाल दिवसे जे आपणे खास करीने घटाडो जोयो तो त्यार बाद फरीथी अहीं अगर थोड़ुक मोमेंटम सस्टेन थतुं देखाई रह्युं छे.